हेलो स्टूडेंट्स, वी आर लाइव नाउ। वेलकम टू SIS ऑनलाइन क्लासेस। आई एम अंकित भट्ट एंड आई एम गोइंग टू कंटिन्यू विथ चैप्टर नंबर कौन सा था, 6, फिजिकल एंड केमिकल चेंज। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आई विल गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन एंड आंसर्स। ओके, सो डोंट वेस्ट टाइम एंड लेट्स स्टार्ट। क्लासीफाई द चेंजेस इन्वॉल्व्ड इन द फॉलोइंग प्रोसेस, ओके, एज अ फिजिकल और केमिकल चेंज। ठीक है, सो फर्स्ट इज स्विचिंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब। स्विचिंग ऑफ इज एन इलेक्ट्रिक बल्ब। ठीक है, जब इलेक्ट्रिक स्विच को ऑन करेंगे, ऑफ करेंगे, ठीक है, बार बार ये करेंगे, तो ये कौन सी प्रोसेस होगी? इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, सो फर्स्ट इज इरिवर्सिबल प्रोसेस, कर्डलिंग ऑफ मिल्क। ओके, सो न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड होगा, तो न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड होगा तो कौन सा होगा, या इसको फिजिकल चेंज भी बोल सकते हैं। स्विचिंग ऑफ द प्रोसेस फॉलोइंग एज फिजिकल और केमिकल बताने हैं, तो इट इज फिजिकल चेंज। ओके, इट इज फिजिकल चेंज। ठीक है, और सेकंड वाला कर्डलिंग ऑफ मिल्क। कर्डलिंग ऑफ मिल्क ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है, सो केमिकल चेंज। ब्रेकिंग ऑफ बोन्स, बोन चाइना प्लेट, बोन चाइना प्लेट का ब्रेक होना, इट इज़ फिजिकल चेंज, क्योंकि इसमें कोई प्रॉपर्टी थोड़ी नहीं चेंज हो जाएगी किसी चीज़ की। ठीक है, बर्निंग ऑफ क्रैकर्स, ठीक है, सो इट इज़ अ केमिकल चेंज। क्रैकर्स को बर्न करा देंगे तो बेटा बिल्कुल जो क्रैकर्स है उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी, जैसे जैसे वो बर्न होगा, आफ्टर बर्निंग तो बिल्कुल ही चेंज हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर ई, कन्वर्टिंग एल्युमिनियम सीट इनटू फॉइल्स, ठीक है, बाय हीटिंग बीटिंग। ठीक है, एल्युमिनियम शीट्स को, फॉइल्स को फॉइल में कन्वर्ट कर देना, पतली शीट में कन्वर्ट कर देना। ठीक है, इट इज़ अ फिजिकल चेंज। एंड डाइजेशन ऑफ फूड, सो इट इज़ अ डाइजेशन ऑफ फूड इज़ अ केमिकल चेंज। ठीक है, भाई फूड फिर से फूड में थोड़ी नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं। फूड किसी जो हमारे डंग होता है, डंग तो नहीं बोलेंगे, जो वेस्ट होता है उसमें कन्वर्ट हो जाता है, और कुछ जो फूड में जो न्यूट्रिशंस होते हैं वो हमारे ब्लड में डिजोल्व हो जाता है। ठीक है, सो फोटोसिंथेसिस इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज। ओके, ड्राइंग ऑफ पेंट्स, ड्राइंग ऑफ पेंट्स, सो इट इज अ फिजिकल चेंज। ठीक है, और लास्ट आपका है, बस यही था लास्ट, व्हाट इज अ रस्टिंग। सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज अ रस्टिंग, सो रस्टिंग आपको कहाँ मिलेगा, पेज नंबर 6। सो आंसर नोट कर सकते हैं, रस्ट इज द फॉर्मेशन ऑफ अ ब्राउन पाउडरी सब्सटेंस ऑन एन आयरन। ओके, रस्ट इज द फॉर्मेशन ऑफ अ ब्राउन पाउडरी सब्सटेंस ऑन एन आयरन सरफेस व्हेन एक्सपोज टू एयर एंड वाटर मॉइस्चर। ओके, व्हेन exposed, EXPOSED, exposed to air and water / moisture, ठीक है, water या moisture के जब के साथ exposed होगा, joint होगा, ठीक, contact में आएगा। ठीक है, so next question, what is galvanization, ठीक है, तो गैल्वनाइजेशन तो लास्ट में था हमारा प्रोसेस, ये है कहाँ चला गया, गैल्वनाइजेशन द प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन अ लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन इज कॉल्ड गैल्वनाइजेशन। ओके, द प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन डिपोजिटिंग अ लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन इज कॉल्ड गैल्वनाइजेशन। ओके, लास्ट क्वेश्चन, what type of change is the productions of biogas from animal waste. okay, what type of change is the
प्रोडक्शंस ऑफ बायोगैस फ्रॉम एनिमल वेस्ट। सो किस टाइप का चेंज प्रोड्यूस किया जाता है, प्रोडक्शंस किया जाता है बायोगैस में एनिमल्स वेस्ट के थ्रू। सो इट इज़ अ केमिकल चेंज। ओके सो वीडियोस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहती हैं, सो बाय टेक केयर। ठीक है, या दो क्वेश्चंस या और एक क्वेश्चंस ये ब्रीफ वाला डिस्कस कर लेते हैं, बहुत अच्छा है। राइट डाउन दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल चेंज। सो केमिकल चेंज के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपके यहाँ पे होंगे, कहाँ चला गया, केमिकल चेंज। ठीक है, सो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे इसके, न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, इट इज इरिवर्सिबल। ठीक है, न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड एंड इट इज रिवर्सिबल, ये तो दो पॉइंट्स हो गए हैं। या ये लिख दीजिएगा, इट इज परमानेंट चेंज या इट इज इरिवर्सिबल। ठीक है, न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, इट इज इरिवर्सिबल प्रोसेस, बोथ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस गेट चेंज्ड, द मास ऑफ द सब्सटेंस ऑल्टर्स। ठीक है, इस टाइप से बहुत बस तीन चार पॉइंट्स अपने नोट कर लीजिएगा, ये जो केमिकल चेंज के बस यहाँ लिखे हैं केमिकल चेंज के। और फिजिकल प्रॉपर्टीज के अगर चेंजेस के फिजिकल प्रॉपर्टीज पूछी जाती तो क्या करते, सॉरी कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे जाते तो ये फिजिकल चेंज के नोट करते। ठीक है, सो फिजिकल और केमिकल दोनों के ही आपको आने चाहिए पहली बात तो। ठीक है, सो आज का वीडियो इतना ही रखते हैं, बाय, टेक केयर, और अपनी नोटबुक में इन सारे वर्क्स को आप कंप्लीट करेंगे।